सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा दिया गया बयान बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करता नजर आ रहा है। इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर पूरी तरह हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ते हुए जनता का अपमान बताया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि गेड़ी चढ़ने और सोटा खाने से विकास नहीं होता। गुरुवार को राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति 15 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा वह इस चुनाव में अनर्गल बातें कर रहा है। बदमाशी की मानसिकता से रमन सिंह उभर नहीं पा रहे हैं। रमन सिंह ये प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे के बाद अगर छत्तीसगढ़ के मिट्टी और संस्कृति के सम्मान नहीं कर सके तो ओकर घोर निंदा करे जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छत्तीसगढ़ी शब्द के उपयोग करे आरोप लगाते हुए लबरा शब्द, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर हरेली तिहार ल माने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री दीस, अगर तीजा तिहार ल तिहार बरोबर माने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी दीस, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ल तकलीफ कावर हो थे। भूपेश सरकार की